हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने स्टेबलाइजर अभी 12 वोल्ट सप्लाई निकाला हुआ है। ठीक है, इसकी खासियत यह है कि ये बिल्कुल झटका नहीं लगता, इससे बिल्कुल सेफ़ है ये। और ऊपर से ये जो है एडजस्टेबल वोल्टेज प्रदान करता है। ये देखिए मैं मोटर को चला के दिखा रहा हूँ, वो भी वोल्टेज को एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें लगभग 17-18 वोल्ट निकलता है, जो लीड एसिड बैंक को चार्ज करने के लिए ठीक ठाक रहता है। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन चल जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइजर और बैटरी चार्जर दोनों का काम कर लेता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हाफ लाइफ यानी कि लगभग 50 वोल्ट में भी ये काम कर लेता है और 220 वोल्ट में भी ये काम कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छा है। ये हाफ लाइट में भी बैटरी चार्ज कर लेता है। ये इससे आप 1 एम्पियर से 3 एम्पियर तक का करंट प्राप्त कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग सप्लाई कैसे निकालना है इसको पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको डायग्राम और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कनेक्शन निकालने में। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूपेंद्र इलेक्ट्रिकल एंड एक्सपेरिमेंट चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए वाइंडिंग किया जाता है, जो रिले वगैरह को चलाने के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद 50 से फिर 100 वोल्ट का गैप दिया जाता है ट्रांसफार्मर के हिसाब से। उसके बाद उसी वायर को टेपिंग निकालते हुए लगभग 25-25 वोल्ट के अंतराल में ऐसे करते हुए लगभग 275 या फिर 300 वोल्ट तक का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, लगभग कुल मिलाकर 8 टेपिंग निकालते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टेपिंग्स होता है वो 8वें नंबर पे, ठीक है, रोटरी स्विच के, और जो दूसरा नंबर का टेपिंग है वो 7वें नंबर पे रोटरी स्विच के। ऐसे ही करते करते 8वें नंबर का जो टेपिंग है ये वाला जो है फर्स्ट नंबर के रोटरी स्विच के पॉइंट में जाके जुड़ता है। और ये जो रोटरी स्विच है इसके बीच वाले जो पॉइंट है ये, इससे जो है एक DPDT स्विच से कनेक्शन आया रहता है जो इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक तो कनेक्शन DPDT स्विच से एक नंबर के पॉइंट पे जुड़ा रहता है। तो एक नंबर और दो नंबर का पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो DPDT स्विच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये वाला जो होता है DPDT स्विच, जब इसको हम ऊपर करते हैं तो वोल्टेज जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि उस समय ये रोटरी स्विच के बीच वाले पॉइंट पर सप्लाई आता है और वहाँ से ट्रांसफार्मर में घूम के, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा के ये जो एक नंबर के पॉइंट से आउटपुट कर देता है, जिससे वोल्टेज बढ़ जाता है। और जब ये नीचे होता है तब जो है DPDT स्विच से ये एक नंबर के पॉइंट में सप्लाई आता है और वोल्टेज को ड्रॉप करके जीरो यानी कि बीच वाले पॉइंट से बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए दोस्तों। स्टेबलाइजर पर मैं ज़्यादा डीपली नॉलेज तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डीपली नॉलेज देने से जो वीडियो का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप बोर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जो ज़्यादा ज़रूरी है काम का भी जो है उसी को मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो जो स्टेबलाइजर का वाइंडिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक ही वायर जो आता है वही घूम के जाता है, फिर से दूसरा कबल है लपेट लगता है, फिर से वही निकल के आता है। ऐसे ही जो टेपिंग्स निकलते हैं वो ऐसे ही निकले रहते हैं, ठीक है, एक ही वायर से, क्योंकि ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है एक ही वायर यूज़ होता है और टेपिंग्स निकलते रहते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। जो 1 से लेकर 8 तक का टेपिंग है वो एक ही वायर से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो 8वां नंबर का टेपिंग यानी कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है रोटरी स्विच के, और 2nd नंबर का पॉइंट यानी कि 7वां नंबर का टेपिंग, ये दोनों जो है हमारे लिए मुख्य है, यानी कि इसी से जो है हमारा 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ये जो दूसरा नंबर का पॉइंट है इसमें 2 वायर आया हुआ है जो वही घूम के फिर से गया है और 8वां नंबर का टेपिंग निकाला। ठीक है, तो हमको जो है इसको अलग करना है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये रोटरी स्विच, और ये देखिए ये जो पहला टेपिंग, दूसरा टेपिंग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अब हमको ये जो 8वां और 7वां नंबर का टेपिंग जो है उसको अलग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 8वां नंबर का जो टेपिंग होता है वो सबसे बाहर में रहता है और 7वां सेकेंड लास्ट में। ठीक है, तो ये देखिए ये रोटरी स्विच में भी देख लीजिए, ये जो 8वां नंबर का टेपिंग है वो सिंगल वायर में है और 7वां नंबर का जो है डबल वायर में। ठीक है, और ये देखिए ये जो है फर्स्ट पॉइंट जिसमें DPDT स्विच से भी तार आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है सेकंड पॉइंट 7वां नंबर और फर्स्ट पॉइंट 8वां टेपिंग। ठीक है, अब हम 7वां और 8वां नंबर के टेपिंग को रोटरी स्विच से कट कर देंगे यानी कि अलग कर देंगे। ये देखिए, अब इस वायर के सिरे को जलाकर इसके कोटिंग को जो है साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर है, इसमें इंसुलेशन लगा रहता है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी दोनों वायर के बीच, तो इसके लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नोब को जो है 8वां नंबर का पॉइंट और दूसरे नोब को 7वां नंबर का पॉइंट के 2 वायर हैं, उनमें से बारी बारी से दोनों वायर में चेक करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो
तो ये देखिए एक वायर में नहीं जला, चलिए दूसरा में देखते हैं, इसमें जल गया। अब इन दोनों वायर को अलग रखना है क्योंकि इन्हीं दोनों वायर के, ये और इसके बीच, इसी से हमारा बैटरी चार्जर का कनेक्शन निकलेगा, ठीक है। इन्हीं दोनों वायर से हमारा रेक्टिफायर सर्किट का वायर जुड़ेगा। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने व इसका कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है जो एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करेगा, ठीक है। हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट चाहिए रहता है, तो ये जो छोटा छोटा दो ठो रेड और ब्लैक कलर में वायर है ये इनपुट के लिए है, एसी करंट इनपुट होगा। और ये जो रेड कलर और वाइट कलर दिख रहा है दो ठो वायर, ये आउटपुट के लिए है, जो रेड कलर है पॉजिटिव, वाइट कलर नेगेटिव के लिए है। और देखिए कैपेसिटर भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, जो जिसका जो पॉजिटिव सिर है पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव सिर है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और ये जो दो ठो इनपुट वाले वायर हैं रेड और ब्लैक कलर के, ये दोनों, इन दोनों वायर को ट्रांसफार्मर के जिन दो वायर के बीच कंटिन्यूटी दिखाया गया था, जो कंटिन्यूटी चेक किए थे, उन दोनों वायर के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है, और अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन हो तो फिर आप सोल्डिंग कर लीजिएगा इसको, जिससे जो है स्पार्किंग मत हो। और इस सोल्डिंग करने के बाद आप इसमें टेप लपेट दीजिएगा कुछ इस प्रकार, जिससे दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट मत हो। उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसफार्मर से निकला हुआ सातवां नंबर का टेपिंग, जिसके साथ कंटिन्यूटी नहीं दिखाया था हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर, उसको ये जो रोटरी स्विच है उसके दूसरे नंबर के पॉइंट पे हमें सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। और DP/DT स्विच से एक कनेक्शन आया रहता है एक नंबर के पॉइंट पर रोटरी स्विच के, उसको कट कर लेना है और उसे रोटरी स्विच के दूसरे नंबर के पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है, जिसमें अभी एक और वायर को सोल्डिंग किए हैं ट्रांसफार्मर के सातों नंबर के टेपिंग को, उसी पे इसको सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसको दो चार परत में मोड़ लेना है इस प्रकार, और इसको जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं इसको पूर्ण रूप से इसको लपेट कर इंसुलेट कर लेना है, जिससे जो है बॉडी शॉर्ट मत हो। और इसे धागे या तार की सहायता से अच्छे से बांध लेना है, जिससे कागज़ छूटे मत। उसके बाद जो DC आउटपुट वाले वायर हैं इसको एक गांठ मार लेंगे, और उसके बाद जगह देखकर इसको बाहर आउटपुट निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब इसका जो काम है वो कम्प्लीट हो गया है प्रैक्टिकली। अब थोड़ा डायग्राम में बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक नंबर और दो नंबर के जो पॉइंट है रोटरी स्विच के, उसको हमने कट किया जो ट्रांसफार्मर से सातवां और आठ नंबर के टेपिंग है। उसके बाद DP/DT से जो एक नंबर पर कनेक्शन आया था उसको भी हमने कट करके उसको एक नंबर से हटाकर उसको दो नंबर के पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो सातवां नंबर का टेपिंग था उसमें दो वायर था, ठीक है, तो हमने सातवां टेपिंग्स के दोनों वायर को आठवां टेपिंग के साथ बारी बारी से कंटिन्यूटी चेक किया, और जिसके साथ जो कंटिन्यूटी बताया वो हमारा 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और जिसके साथ कंटिन्यूटी नहीं बताया उसको हमने फिर से दूसरे नंबर के जो रोटरी स्विच है उसके दूसरे नंबर के पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं आपको ऐसा करने से हुआ क्या, ठीक है। तो जितने भी टेपिंग्स थे वो 25-25 वोल्ट के लिए वाइंडिंग किए गए थे, तो सातवां और आठवां नंबर का जो बीच का जो टेपिंग है जिनके बीच हमने कंटिन्यूटी चेक किया उसको अलग करने से वो हमारा अलग से सेकेंडरी वाइंडिंग बन गया, ठीक है, लो वोल्ट का। और लो वोल्ट का सेकेंडरी वाइंडिंग बनने से जो है झटका नहीं लगता, वो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि जो एक ही वायर से पूरा वाइंडिंग किया गया था वो दो वायर में बट गया, और एक हमारा छोटा सा वाइंडिंग हो गया जो 12 वोल्ट या 18 वोल्ट तक का जो पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए बन गया, ठीक है। फ्रेंड्स, अब इसका हम टेस्टिंग करने वाले, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो देख रहे हैं ये DP/DT स्विच इसी को बोलते हैं, ये जब ऊपर रहता है तो वोल्टेज हाई रहता है और नीचे रहने से वोल्टेज लो रहता है, ठीक है। तो जब भी आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तब की स्थिति में इसको आप जो है नीचे रखिएगा, क्योंकि ये ऊपर करने से बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करेंगे, जिससे जो है आपका चार्जर या फिर हाँ चार्जर ही ख़राब हो जाए, क्या पता, इसलिए जो है इसको नीचे रखिएगा। अब मान लीजिए वोल्टेज बहुत कम हो तब की स्थिति में आप इसको ऊपर कर सकते हैं, लगभग 50-60 वोल्ट हो तब। फ्रेंड्स, ऐसे वाला बैटरी चार्जिंग कनेक्शन निकालने से आपके स्टेबलाइजर में जो है कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस एक नंबर का स्विच ही काम नहीं करेगा बाकी सब काम करेगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर का स्विच काम नहीं करेगा बाकी जो दो तीन चार इधर करते जाएंगे तो काम करेगा। जैसे कि ये देखिए अभी मैं आपको 12 वोल्ट का बल्ब जला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही जल रही है और बिल्कुल शॉक नहीं लगता। इससे पहले जो मैंने स्टेबलाइजर से बैटरी चार्जिंग का कनेक्शन निकाला था उसमें शॉक लग रहा था। अगर आपको यह वाला चार्जर कनेक्शन निकालने में दिक्कत हो तो फिर मेरे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं,
अभी मैं आपको इसको जो है छू के भी दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल शॉक नहीं लग रहा है, ये देखिए ठीक है। हाँ अगर आप इसको टेस्टर से जला के देखेंगे तो फिर ये थोड़ा जलता है। अभी मैंने इसको आपस में टच कराया तो स्पार्क भी हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स जब इनपुट वोल्टेज लगभग 200 हो तब की स्थिति में लगभग 18 वोल्ट आसपास निकालता है। तो मान लीजिए इस स्थिति में आप बैटरी को चार्ज करना चाहें तो सीरीज़ में अगर आप 12 वोल्ट 35 वाट का एक बल्ब आता है जो बाइक के आगे में लगता है सामने वाले में, उसको लगा लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो वैसे। बाकी अगर आप लाइट लगा लेते हैं एक ठो तो फिर ये जो है लगभग 1.5 एम्पियर करंट पास होने देता है जिससे जो है ख़राब नहीं होता, ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ और ये जो है लगभग हाफ लाइट हो तब की स्थिति में आपको कुछ भी सीरीज में लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही वर्क करता रहेगा ये। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा कोई भी अगर सवाल हो तो।